you <laughs> All right, uh, hey ladies and gentlemen, a very, very warm welcome to you. I hope you're doing great today. Uh, we're gonna be speaking with and today we're gonna to be interviewing Archit Mangal, who's uh, a digital Dukandar. I was just having a conversation with him and I didn't know this. Archit is just 22 years old, he's from New Delhi. Uh, and Archit recently crossed uh, more than fifty thousand dollars in sales in his print on demand business. And today we're gonna to be talking about how Archit was able to do it, you know, what all he's been through, where does he come from how was he able to do it the things uh, that he struggled with how was he able to overcome all of those struggles so a very very warm welcome to you Arshad. thank you sir thank you thank you so much no worries how are you doing good good how are you yeah, yeah i am doing i'm doing great as well thank you so i'm gonna i'm gonna give the mic to you arjit so you know tell us about yourself uh, what do you do where do you come from what is your background uh, let us know सो so, सर मैंने लास्ट ईयर ही ग्रेजुएट कराया है डीयू से आई एम अ ऑनट्रप्रोर मतलब मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है अपनी बट लाइक लास्ट टू ईयर से मैंने जब से आपका कोर्स ज्वाइन किया है तो मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ यूएस में भी ड्रॉप शिपिंग भी कर रहा हूँ यूएस में इंडिया में भी मैंने बहुत सारे स्टोर स्टार्ट करने की कोशिश करी है और मैं अपना ब्रांड भी लॉन्च करने वाला हूँ इंडिया में नेक्स्ट टू थ्री मंथ्स में जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड लाइक टू ईयर्स बैक मैंने ब्लॉगिंग से शुरू करी थी कि जब इंटरनेट में आया ब्लॉगिंग करी उसमें मैंने थोड़ा बहुत अर्न किया मेरे को आपका कोर्स आया बिल्कुल स्टार्टिंग स्टार्टिंग जब आपका कोर्स के था तो <laughs> वेबिनार में आपका बट मैंने कुछ करा नहीं एक्शन नहीं लिया कोर्स ज्वाइन करा वेबसाइट बनाई उसके बाद दो तीन डिजाइन बनाए कोई एक्शन नहीं लिया छोड़ दिया तो मेरे को लग रहा है वो शायद मेरी गलती भी थी बट उस टाइम पे पास इतनी ना इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी कि मैं बहुत चीज आगे कर पाऊँ या इन्वेस्ट कर पाऊँ तो उसके साथ साथ फिर मैंने क्लाइंट्स पे ध्यान दिया तो उस टाइम में मैंने और क्लाइंट्स उठाए उनके साथ काम किया थ्री फोर मंथ मतलब लकी था मेरा एक पार्टनर भी मिल गया मुझे डिजिटल साथ, साथ मार्केटिंग एजेंसी चलाई ठीक है उसके साथ हमने क्लाइंट्स भी करे हमने सिक्स मंथ्स काम किया मतलब मैंने काफी अच्छा आर ओ जनरेट किया फिर मैंने उसके साथ डिसाइड किया कि चलो अब हम थोड़ा ई इकॉमर में जाते हैं सर का कोर्स है बस बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं मतलब मैं ग्रुप पे देखता था कि इतना सब लोग अचीव कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता हमें तो सब कुछ आता है आर्ट्स में अच्छे रिजल्ट निकालते हैं हम सबके तो अपने लिए भी निकाल सकते हैं तो फिर हमने कोर्स ज्वाइन करा देखा वेबसाइट बनाई डिजाइन बनाए मतलब तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी आपके कोर्स में कि लाइक स्टेप स्टेप बाय सब कुछ था हमें हम एज अ होते तो हमने बहुत क्लाइंट्स लिए बहुत कुछ किया होता तो हमें बार बार लगता था कि ये, हमें ये भी करना चाहिए इसमें ये डिफरेंट करना चाहिए कि हम ये ट्राई करते हैं इससे क्या होगा शायद इससे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं बट शायद हमारी गलती थी पर आपने तो अपने कोर्स में सब कुछ इतना इजीली मेंशन किया हुआ है कि हमें ये यूज करना है

नहीं मतलब आ रही है कम आ रही है प्रॉफिटिलिटी नहीं लॉसिज आ रहे हैं लॉसेज आ रहे हैं अराउंड टू फोर्टी थाउजेंड रुपीज मतलब स्पेंड करें मतलब बहुत अच्छा कुछ जनरेट नहीं करा मतलब लॉस में जाए थर्टी फोर्टी थाउजेंड तो हमने कहा ये क्या हो गया तो हम बहुत चीजें हम टेस्ट करने लग गए अलग अलग चीजें लोगों से बात करी क्या हो रहा है कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है भी निकाल सकते नहीं निकाल सकते क्या है क्या नहीं और उस टाइम पे जैसे था ना तो चाइना के सप्लायर होते थे तो उनसे बात करी उसमें कॉल्स डाउन करके लेके आओ क्या करके आओ क्योंकि जब मैंने आपको कोर्स डाउन किया था आप पहले चाइना के सप्लायर से करते थे

नहीं कर सकता था, था कि मैं उसके डिजाइन अगर चल रहे तो मैं यूज कर लूंगा और कमा नाइस चीज लूसरी सिखाया फिर मैंने वापस प्रोसेस करा सारे डिजाइन छोड़ दिए जो पुराने थे दोबारा बेसिक पे आया बैक टू mm -hmm. तो बेसिक गए कोर्स दोबारा देखा उसके बाद हमें डिजाइन मिले वो डिजाइन है और आज तक अभी तक वही डिजाइन मेरा चले जा रहा है बैक टू तो बेसिक मतलब थर्ड डिजाइन था ऑलमोस्ट टेस्ट किया मतलब मेरे सिक्स टू सेवन मंथ हो गए उस डिजाइन को और वो अभी तक मेरे को अच्छे खास रिटर्न दे रहा है मतलब मैं स्टार्टिंग मैं में यार बहुत एक होता है दिल में ना कि तुम्हें ग्रो कैसे करना है स्केल कर सकता था मतलब मैं स्केल कर नहीं पाया था दिमाग में कि लॉस ना हो जाए क्योंकि इतने लॉसेज करे हैं तो फोर थाउजेंड डॉलर रहा था फाइव थाउजेंड डॉलर रहा था उसमें कुछ भी हो रहा था कि ठीक है मैंने अपने अपने माइंड में कैप लगा दिया था कि ठीक है इतना आ रहा है प्रॉफिट पहले देखते हैं फर्स्ट मंथ टेस्ट किया कि प्रॉफिट कितने आ रहे हैं निकालो कैसे निकाल सकते हैं और मैंने आपसे भी सुना था कि आपने एकदम से जल्दी स्केल कर दिया था तो आपको दिक्कत हुई थी <laughs> तो मैंने मैंने कहा ठीक है जल्दी स्केल नहीं करेंगे पहले देखते हैं कैसे प्रॉफिट बढ़ाते हैं कैसे मार्जिन बढ़ाते हैं मैंने देखा ज्यादा स्केल कर रहा हूँ तो तो <laughs> एक मंथ फिर तो उसमें मैंने अपनी बैक एंड चीजें स्ट्रॉग करी कि मैंने कि कैसे अपना मार्जिन बढ़ाता हूँ मैंने मार्जिन बढ़ाने के लिए पहले तो थीम बेटर करी कि हमारा कन्वर्जन रेट बढ़ेगा मेरे जो थीम चेंज करी उसमें थीम में प्रोडक्ट पेज में बहुत काम किया मैंने प्रोडक्ट पर मैं क्या क्या क्वेश्चन होते हैं कैसे ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ कैसे साइज चार्ट सेम कलर के थीम के हिसाब से सेम कलर के साइज चार्ट मैंने वो सब चीजों में थोड़ा काम किया तो उससे मुझे लगा कि मेरी कन्वर्जन अराउंड सेवन परसेंट आ रही थी स्टोर पे तो वो काफी कूल था कि मतलब मैं 5%, 7 ले दो परसेंट कन्वर्जन भी इंक्रीज कर रहा था मुझे ठीक था कि उससे कि चलो कुछ सही हुआ फिर मैंने ई मार्केटिंग में काम किया एस मार्केटिंग में गया उसमें मैंने ई मार्केटिंग में देखे खुद लिखे सब चीजें डिफरेंट चीजें टेस्ट करी एस एस मार्केटिंग में मैंने डिस्काउंट देता मतलब मार्केटिंग में अपना ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट देने लग गया ये चीजें सॉर्टेड हुई फिर मैंने कहा बहुत लोगों से बात करी कंपनी इंडिया में सेटअप करने से ना मतलब जैसे पेपाल का मुझे बहुत लग रहा था कि यार ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और मेरे दिमाग में भी था कि लोगों को जिसका पेपर नहीं है वो क्या कर रहा होगा और मैसेजेस भी आ रहे थे कि हम पे नहीं कर पा रहे तो ना वो चीज बार बार लग रही थी दिल में जबकि शायद मैंने बाद में स्ट्राइप इंस्टॉल कर लिया तो मुझे लगा इतना फर्क नहीं था उससे पेपाल से भी हो रही थी सब चीजें बट एक दिमाग में जब तक अपनी माइंड हो ना तब तक वो चीज लगती है कि यार ये चीज़ होनी ये पीस इंडिया में लोगों से बात करी नहीं हुआ <laughs> तो फिर मैंने यूएस में सोचा कंपनी कर रजिस्टर करते हैं बट यूएस में कंपनी रजिस्टर करने का कर उसमें दिक्कत क्या आई थी पहली बात तो अमाउंट थी फाइव हंड्रेड डॉलर से सिक्स हंड्रेड डॉलर के आस पास और प्लस टाइम उस टाइम पे लग रहा था क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था जिस टाइम पे मेरे स्केल आती है लाइक सितंबर के टाइम अक्टूबर के टाइम पे तब की जर्नी है जिसमें मेरा ऑलमोस्ट सेल अच्छी आ रही थी लॉकडाउन था पर उनमें ना उनके रजिस्ट्रेशन में यूएस में अराउंड थ्री मंथ्स लग रहे थे कि थ्री मंथस लगेंगे लगेंगे तुम्हारी कंपनी रजिस्टर होते होते स्ट्राइप आते होते थ्री मंथस लग देंगे मैंने कहा इतना वेट करूंगा डिजाइन शायद कोई और ना कॉपी कर ले चलाना जाए कोई कितना पॉइंट तो नहीं है थ्री मंथ वेस्ट करने का फिर मैंने और रिसर्च करा फिर मैंने कंपनी अपनी यूके में देखा कि यूके में रजिस्टर करते हैं सब कुछ मिल रहा है यूके में बल्कि ईजी भी है रजिस्टर करना ईजी है सिर्फ हंड्रेड डॉलर में मतलब सिर्फ टेन थाउजेंड रूप लगे थे मेरे रजिस्टर करने में यूके में कंपनी मुझे वहां को स्ट्राइप मिल गया वहां का पेपर मिल गया वहां फिर मैंने बैंक अकाउंट लिया ट्रांसफर वाइज का ठीक है तो मैंने उन पे गया वहां से मैंने स्टार्ट करा उसके थ्रू मेरी कन्वर्जन थोड़ी सी बढ़ी बहुत ज्यादा नहीं स्ट्राइप से बट एक था कि मार्जिन बढ़ गए जैसे तो मैं पेपाल को दे रहा था वो बढ़ गए बहुत सारा क्योंकि यूके पेपाल और इंडिया पेपाल में भी ना जो परसेंटेज चार्ज करता है इंडियन पेपाल ज्यादा करता है यूके में कम करता है और यूएस में पे और कम करता है तो ये डिफरेंस होता है और प्लस ट्राइव तो बहुत ही कम करता है तो वहां पे मेरे मार्जिन बढ़े तो मेरे मार्जिन मैंने अराउंड अपने ट्वेंटी फाइव परसेंट तक ले गया था अभी भी मतलब ट्वेंटी से ट्वेंटी मार्जिन निकल रहे हैं आराम से इजीली और वही मैंने फिर कैसे ऑटोमेशन पे लेके गया कि कैसे ऑटोमेट कर देता हूँ

और चेक किया कि डिजाइन में क्या आ रही है मैंने चेक किया था कस्टमर्स ना कुछ कंप्लेंट कर रहे थे तो मैंने अपने ग्राफिक डिजाइनर को बिठाया मैंने उसके साथ काम किया मतलब राम से तीन चार दिन होंगे कि इस डिजाइन को हम कैसे बेटर कर सकते हैं पता है विनिंग कोट है सब कुछ है तो इसको कैसे बेटर कर सकते हैं तो उसके बाद तीन चार दिन बैठा उसको एक एक चीज करी यार ये भी ट्राई कर ये डिफरेंट कर ये कर मतलब बहुत सारी चीजें करी मैंने पर्सनली भी सीखा कि फोटोशॉप सीख के कैसे खुद ही कर पाऊँ क्योंकि उसको समझाना इतना डिफिकल्ट हो रहा था तो मैंने सोचा तो चलो खुद ही बैठे करते हैं मैंने खुद ही फोटोशॉप सीखा और चीजें चेंजेस करे वो क्रेजी था टाइम को लग रहा था मैं टाइम वेस्ट कर रहा करूँ बट मुझे लग रहा है वो आज वर्ड था कि वो जो टाइम मैंने थोड़ा बहुत फोटोशॉप से कोई मेहनत करा डिजाइन में चेंजेस करे उसके अलग वेरिएशन निकाले उसको मैंने सबको फिर लॉन्च कर दिया एक साथ फिर इंसानी बंद हो गई मतलब

तो मेरे को कस्टमर सब जो आ रहे हैं वो दिक्कतें ना हो जाए मतलब मैं धीरे धीरे स्केल कर पेपर ना रोक ले वो चीज 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 है और एक और इस, इस में में एक और और हुई हुई इस जर्नी में मेरे साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक जब मेरा डिजाइन विनिंग डिजाइन मिल रहा था मैंने को लगा कि चलो चीज पॉसिबल है तो इसमें मैंने पीओडी क्लाइंट्स भी उठा लिए कि ठीक है दूसरों के एक बार स्टोर में टेस्ट करते हैं क्योंकि ना मुझे माइंडसेट वाइज प्रॉब्लम लग रही थी कि मैं अपना स्पेंड कर रहा हूँ लॉस हो रहा है तो मैं रुक रहा था कहीं ना कहीं कि मैं रुक रहा था कि यार अच्छा। तो मैं स्केल ही नहीं कर पा रहा प्रोजेक्ट कि लॉस हो रहा है नहीं कर पा रहा तो स्केल कैसे करूंगा हुँ। मतलब हुँ। तो फिर मैंने दो तीन क्लाइंट सुटाए मतलब तीन में से दो को मैंने अच्छे खाते प्रॉफिट कमा के दिए और मैं हैरान था कि मतलब मैं अपने स्टोर के लिए नहीं कर पा रहा जब ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहा था मतलब मैं उनके स्टोर पर ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूँ अपने स्टोर पर कम करवा रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ये मेरे दिमाग में कुछ है तो मैं रोक रहा हूँ अपने आपको स्पेंड करने से क्योंकि उनका पैसा था मुझे कोई दिक्कत नहीं थी मैं स्पेंड करा था टैस कर रहा था <laughs> तो मैं उनको प्रॉफिट निकाल के दे रहा था राम नाम से कि तीन क्लाइंट उठाए तो दो को प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके गया उसके बाद एक को नहीं ले सबको नहीं लेके जा पाया था मतलब तो दो को लेकर था तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं इनको प्रॉफिट दे सकता हूँ इतना सारा तो अपने में कहा रुक रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी गलती हो रही है मेरे एंड पे कुछ ना कुछ रुक रहा है जो मैं स्केल नहीं कर पा रहा फिर नहीं प्रॉफिट ला पा रहा तो मैंने वो चीजें चेंज कराए, वहां पे काम किया ये सब में था <laughs> मैंने तो थोड़ी कर दिया जो हुई है मेरे साथ बट ठीक हाँ, है मैं नहीं नहीं आगे भी व्हाइट चलो चलो मैं पूरा हाँ ये दिमाग में रखना मैंने एक्चुअली जब आप बोर्ड थे ना मैं नोट्स बना रहा था ताकि मैं इस पर हम रिविजिट करें सबसे पहले आपने मेंशन किया था आपने डिजिटल दुकानदार प्रोग्राम ज्वाइन किया जब वो सात हजार रुपये का था सेवन थाउजेंड ये था ऑलमोस्ट हाँ डेढ़ दो साल पहले अभी प्रोग्राम जिस टाइम में हम रिकॉर्ड करें पच्चीस पच्चीस का है और इनफैक्ट पता है उस टाइम पे हाँ उस टाइम पे मुकुल मिश्रा मुकुल ने भी प्रोग्राम ज्वाइन किया था तब वो सिक्स थाउजेंड रुपीज का था छः हज़ार का और अभी ना मैंने क्या कर रखा है मेरा यहाँ बुलेटिन बोर्ड है इसके इस पर ना मैंने सारे आ, स्क्रीन लगा रखे हैं कुछ कुछ जो लोग भेजते हैं तो मुकुल का स्क्रीनशॉट वहां लगा हुआ है तो मुकुल से मैं बात ही कर रहा था उस दिन कि उन्होंने ऑलमोस्ट एटी डॉलर इन्वेस्ट किए प्रोग्राम में और ही इज बिन एबल टू क्रॉस ऑलमोस्ट हाफ मिलियन डॉलर इन सेल्स तो एक 80 डॉलर की इन्वेस्टमेंट से यू नो हीज ऑफ कोर्स फेसबुक एड्स में पैसे लगते हैं वो, वो सब दिमाग में रखते हैं व्हाट हीज डन दैट तो ये तो बहुत अच्छी बात है और जो सब सुन रहे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन हम तो प्रोग्राम का रेट बढ़ाते रहेंगे प्रोग्राम का रेट इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें बेटर क्वालिटी लोगों के साथ काम करना है दूसरा हमें हमें कंपनी में प्रॉफिट डेफिनेटली बढ़ाने हैं और तीसरा हमें पता है कि इसमें बीस लाख क्रॉस कर लिया किसी ने साढ़े सात लाख क्रॉस कर लिया किसी ने अभी रिसेंटली पंद्रह सत्रह लाख क्रॉस किया एंड सबके प्रॉफिट पंद्रह से पच्चीस के बीच में है, इन सब लोगों के ठीक है अभी पचास हजार डॉलर विशाल ने क्रॉस किया है तरुण बाजवान का कल पोस्ट आया है सोलह हजार डॉलर क्रॉस किया बीनो का पंद्रह हजार क्रॉस हुआ है शुभम का पैंतीस हजार मंथ हो गया है अनमोल का टेन थाउजेंड डॉलर क्रॉस हुआ अदिति सूर्य का ट्वेंटी थाउजेंड क्रॉस हुआ है आर्यन का फोर्टी क्रॉस हुआ है एक आपका स्क्रीन भी मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे फिर एक राहुल है उसका टू क्रॉस हुआ है पायल जिस थाउजेंड डॉलर अ मंथ फिर फोर्टी थ्री थाउजेंड डॉलर अ मंथ ट्वेल्व थाउजेंड डॉर्स अ मंथ रोहन चौटांकर

मैंने एक्सन लेने का ना मेन रीजन था कि उस टाइम में मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी कि मैं घर वालों से नहीं लेना चाहता था कि मैं उनसे लेके लाऊँ पचास हजार लूँ या एक लाख खर्चू मुझे था कि मैं अपना थोड़ा सा एक बार जोड़ लूं उसके बाद कर पाऊं की मतलब एक बार एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम हो कि मैं इसको अगर जीरो भी कर रहा हूँ तो मुझे टेंशन ना हो कि यार ठीक है मेरा लॉस हो गया कोई बात नहीं जैसे मैंने थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड जब कमा लिए थे ना तो मुझे था कि कोई बात नहीं इसको जीरो भी करती थी कोई बात नहीं टेस्ट कर लो इसे पर वही अगर मेरे पास ना होता घर वालों से लेना होता ना तो एक प्रेशर रहता कि यार इनसे ले रहा हूँ की पांच हजार रुपये लॉस हो रहा है दस हजार रुपये लॉस हो रहा है वापिस देना है क्या बोलूंगा क्योंकि मैं राउंड सेकंड ईयर में था उस टाइम में कॉलेज में इसलिए मुझे था कि कि नहीं यार कि खुद से ही लेंगे खुद ही एक्शन लेना है तो मैंने ऐसा नहीं है, मैंने तो है स्टार्टिंग में एक्शन लिया था ना तो मैंने यहाँ तक की डिजाइन बना लिए थे वेबसाइट भी बना ली थी तो मतलब टेन डिजाइन के आसपास मैंने उस टाइम पे रिसर्च करी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए बट एड नहीं चलाई उस टाइम पे कि ठीक है रुक जाते हैं थोड़ा कोई बात नहीं

कि ठीक है और है? जानते हैं क्या है तो मुझे वहां पे वो मिला मेरा पार्टनर बस ऐसे ही वो बैठा था मैं भी बैठा था मैंने उससे बात करी क्या कर रहे हो <laughs> तो हमने डिस्कशन करा हमारा थोड़ा माइंडसेट काफी मिला हम दोनों को कुछ ना कुछ करना था तो बस फिर वहीं वही से वहीं होता गया बाकी मैं कॉलेज के इवेंट्स में काफी जाने लगा जितने भी नेटवर्किंग इवेंट्स होते जितने भी डिजिटल मार्केटिंग इवेंट्स होते हैं हर में जाता था जितने भी पॉसिबल होते थे कॉलेज सोसाइटीज में पार्ट लिया उनके थ्रू मतलब मुझे काफी लोग मिले बाकी ऑनलाइन कोर्सेज में ऑनलाइन ग्रुप्स में काफी

यही रीज़न है पता है मास्टर माइंड में ये फायदा होता है जब प्रोग्राम में एक बहुत बड़े रीजन की ग्रुप है वो इसलिए है ताकि ना लोग आपस में मोटिवेट हो सके देख सकें बाकी लोग क्या कर रहे हैं आपस में कांटेक्ट कर सकें हमने पता है जो फिजिकल मास्टर माइंड भी करे हैं ना हम लोग ने 2019 में करे थे लास्ट तीन मास्टर किए थे गुड़गांव में डेली एनसीआर तो वहाँ पे भी जो लोग आते हैं यू नो अभी भी इतने सारे लोग हैं जो मास्टर माइंड पे मिले हैं या डी में मिले हैं और आज बहुत अच्छे दोस्त हैं साथ में साथ में बिजनेस कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो इसकी बहुत वैल्यू है आपने कॉलेज सोसाइटीज़ बोला डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बोला फिर सबसे सबसे ईजी चीज़ जो हर डिजिटल दुकानदार कर सकता है कि यार जो प्रोग्राम मेम्बर्स हैं उनको मैसेज करो सबको करो बात करो जो अच्छा कर रहे हैं उनसे पूछो क्या चल रहा है और जितना पॉजिटिव जितना पॉजिटिविटी ले सकते हो लर्निंग ले सकते हो लो एक चीज़ ना लोग और गलत करते हैं मान लो किसी ने कुछ नेगेटिव वो डाल दी यार मेरा एड अकाउंट बैन हो गया है लोग उससे बात कर रहे हैं फिर वो पर उल्टा और परेशान हो जाते हैं mm. तो लोगों को ये समझना भी बहुत जरूरी है कि यार देखो आप जिस जिस तरह के इंसान से बात करोगे और वो जो चीज उस टाइम पे फेस कर रहा है आपको वही बताएगा इसका mm. ये मतलब नहीं है कि बिजनेस बहुत अच्छा चल जाएगा या बहुत खराब हो जाएगा ही जस्ट शेयरिंग कि अब्यूज के वहां क्या चल रहा है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या पिक करना है यू you नो know, ये एक चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं आपने एक और चीज शेयर करी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली तो मैंने इनफैक्ट पता है इस बारे में एक पॉडकास्ट भी किया है हाउ टू बी एन नेवर गो ब्रोक अगेन और ये सेम चीज मैंने डिजिटल दुकान दुकानदार प्रोग्राम में भी शेयर करी है आपका कोई क्लाइंट बेस नहीं था पहले आप एक स्टार्टर थे आपने फिर भी डिजिटल मार्केटिंग के क्लाइंट्स उठाए वो कैसे किया आपने आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिले आप क्या बोल के क्लाइंट्स को लाए एंड इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग किस तरह का पैसा आप उनसे चार्ज कर रहे थे? What kind of services वो मैंने मतलब मैं ना बहुत चीजें ट्राई करता हूँ मैंने स्टॉक मार्केट का था तो मतलब कि ये भी सीख लो वो भी सीख लो मतलब लेता हूँ

की मैंने बात सुनी थी उन्होंने बताया कि उन्होंने तो आप उनसे ले लो True. तो हमने और एजेंसी के तो ना वो गूगल ऐप्स में बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल रहा था मतलब इतने मतलब मैं भी हैरान था और हम लोग खुद भी इतने अच्छे रिजल्ट निकल रहे तो जितने को भी हमने कहा कि हम जब इतने अच्छे रिजल्ट निकाल रहे हैं और लोगों को पहुंचते अप्रोच करते हैं कि वो लोग नहीं निकाल पा रहे तो हम निकालते हैं उनके लिए हमने रिजल्ट दिखाए कि देखो हम ऐसे कर रहे हैं इतना अच्छे रिटर्न आरोप डेज का दे दो फ्री हम कोई नहीं आपको दिखा देंगे बना देंगे आप ले कर देंगे तो धीरे धीरे वहां से आए उनके थ्रू मतलब हमने जब तो एक चीज सीख ली ना हमने एजेंसी को पहले सेकेंडरी रखा कि इससे हमारी सोर्स ऑफ इनकम है बाकी चीजें हम और टेस्ट करेंगे अपने अपने बनाएंगे चैनल बनाएंगे ई कॉम बनाएंगे अपना ब्लॉग्स बनाएंगे अपने बनाएंगे एजेंसी को हमने एक सोर्स ऑफ इनकम रखा कि जो रेगुलर आती रहेगी उसके नीचे हमने इंटर्न हायर करे स्टार्टिंग में जैसे इंटर्न के लिए भी थोड़ा हमें

डिफरेंट ट्राई मुझे उनके बिजनेस बारे बारे मुझे समझ आएगा कैसे समझ पा कैसे कैसे वो बिजनेस कर रहे हैं कैसे ग्रो कर रहे हैं तो मैं सबसे बात करता हूँ जिन लोगों से भी काम मतलब काफी अच्छे रिलेशन बनाता आता हूँ की आप कर रहे हो तो इससे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी निकल रही है कितना आरोप है मतलब ये चीज को मतलब इंटरेस्ट आता है क्योंकि मेरे को प्लान है आगे की मेरे को डिफरेंट चीजें करनी है ट्राई तो मुझे मजा आता है डिफरेंट नीचे में काम करने में सीखने में वहां से हर बार कुछ नया नया सीखने को मिलता है वो चीज़ ओके okay, नाइस nice. काफी कुछ है यार इसे लर्न करने को यू you नो know, आपने जो भी शेयर किया है सबसे पहली चीज़ तो एक जो चीज में फील कर रहा हूँ दैट आप इन्जॉय करते हो इन सब चीज़ों को यू नो दैट यू बिलीव इन हैविंग फन डूइंग जो भी आप चीज कर रहे हो उसमें फन करते हो मस्ती करते हो mm. अपना लोगों से बात कर रहे हो एंड यू जेनवनली क्यूरियस एक क्यूरोसिटी है अच्छा ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया स्टॉक मार्केट में गया तो हर हर जगह हाथ पैर मार रहे हो एक mm. भूक है कि यू you नो know, मुझे ये करना है मुझे ये चीज करनी है तो आ, ये भी बहुत अच्छी चीज है अच्छा इससे एक और चीज दिमाग में आती है आप ये सब क्यों कर रहे हो यू नो जस्ट ट्वेंटी करता हूँ आपकी स्टोरी से मैंने भी ऐसे ही जब मैं

ये ये अगर यू you नो know, क्यों कर रहे हो हो सब क्या क्या करना चाहते हुँ? सर तो मुझे मुझे सोचा है 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 कि कि लॉन्ग टर्म गोल बट इस टाइम पे लगता कहीं ना कहीं ये लर्निंग प्रोसेस है मेरा कि मैं इससे बहुत चीजें कोई ये गोल नहीं है मेरा वो प्लान नहीं है बट इससे कुछ ना कुछ लर्निंग आ रही है ऑटोमेट करने आ रही है मेरा मेन मोटिव है यहाँ पे कि ग्रो करना अपना अपनी मेन नॉलेज ग्रो करना जितनी मैं नॉलेज बढ़ाता हूँ इस टाइम पे मतलब मेन मेरा मोटिव है नॉलेज बढ़ाना इस टाइम पे जितनी चीजें सीखता जितनी ले सकता हूँ जितने लोगों से मिल सकता हूँ कुछ ना कुछ नया मिलता है मुझे अब जैसे मैंने इंडियन ईकॉम स्टार्ट किया मैंने फर्स्ट क्लाइंट से ही स्टार्ट किया उसने मुझे बोला कि यार तू मेरा ड्रॉप शिपिंग स्टोर चल रहा है इंडिया में तू तुसे बाहर चला दे मैंने कहा कूल है यार एक बार ठीक है मैंने करी नहीं मैं आपके लिए कहता मैं ज्यादा नहीं चाहता मैंने कहा कोई बात नहीं मुझे ज्यादा चाहिए भी नहीं मुझे सीखना है मतलब मुझे पता चलेगा इंडियन ड्रॉप शिपिंग क्या है मतलब इंडियन ट्रॉपशिंग अभी कभी नहीं कुछ पता नहीं, नहीं। कहता मैंने कहा हाँ, मैं कर लूंगा ज्यादा चार्ज भी नहीं करूंगा कहता ऑफ दूंगा मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, <laughs> नहीं। <laughs> मत भी दो नहीं। नहीं। मुझे चलेगा एक बार देखूंगा तुम्हारा बिजनेस कैसे रहता है तो मतलब वो वो ऑलरेडी वो बंदा एक करोड़ के स्टोर चला रहा था अपने मतलब जो ड्रॉप शिपिंग में उसकी बस एड अकाउंट बंद हुए थे तो इसलिए उसे नीट थी तो मैंने मतलब नेटवर्किंग करता था मैं बड़े सारे ग्रुप्स मैंने कहा तो वो जैसे ही लोग बात करते थे ना मैं फटाफट सब लोगों के टच में आता था, था कि कैसे हो आप क्या कर रहे हो मतलब उनकी हेल्प कर देता था, था तो मैं करता था तो मैं उसका टच में था उसने बोला टाएगा मैंने कहा चलाऊंगा क्यों नहीं चलाऊंगा मेरे पास टाइम भी नहीं था मेरे पास मतलब मैं इंडियन ई में यूएस वाले में ड्रॉप शिपिंग चल रहा था मतलब मैं अच्छा कमा रहा था सब चीजों में मुझे पैसे की नीड नहीं थी मैंने कहा चलो ट्राई करेंगे देखते हैं इसमें भी कुछ ना कुछ है सब लोग वो कह रहे हैं वन करोड़ का वो रेवेन्यू कर रहा है मंथ का इंडिया में मैंने कहा कुछ तो होगा ही देखते हैं

<laughs> hmm. मैंने कहा ये सब भी होता है कैसे <laughs> कि हम तो थ्री फोर फाइव ही देख रहे हैं <laughs> 7 hmm. का इंडियन में तो है है मैंने काम किया hmm. उसने मुझे दिया, मैंने नेक्स्ट क्लाइंट से बात करी कि मैं ये चीज कर सकता हूँ आप, hmm. आप करो सेम चीज ट्वेंटी सब प्रोसेस hmm. मुझे पता है तो मैं

तो मास्क मास्क तो तो बहुत लोगों ने करा और मास्क तो अभी भी ले कि मास्क की दो बंदे तो मास्क ले okay. तो दिज़ाँ जो दिज़ाँ चल रहे हैं वही मास्क में लगा दिया क्योंकि उनको लगता है कि टी शर्ट तो मास्क भी होना चाहिए तो उनको और खुशी खुशी लेते हैं डबल होगी मेरी और टी शर्ट से ज्यादा महंगा बिक रहा है

रिलेशनशिप में एक तरह से वो पांच परसेंट वाले को काम करके आपने पैसा नहीं देखा यू थोड़ा लर्न और आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड किया उस इंसान के साथ जो आज तक आपका दोस्त है एंड नाउ ही इज हेल्पिंग यू नीज यू नो डूंगस विच इज इज ऑसम इसके बाद आ, आपने ये भी ध्यान रखा जो आपने बताया कि हमेशा लोगों को ना एक और सोर्स ऑफ इनकम भी रखो ताकि कल को okay. कर सको हाँ काफी लोग क्या करते हैं ब्रोक होते हैं सारा कुछ पैसा डाल देते है प्रोग्राम में डाल देते हैं एड्स में डाल देते हैं फिर रोते हैं नहीं okay. ऐसा कभी मत करो यू शुड ऑलवेज है कुछ और करो और तब तक जॉब क्विट मत करो जब तक आपका पैसा उतना नहीं आगे जितना

ट्रांजिशन किया कि लॉस के बाद भी फिर इन्वेस्ट करके देखता हूँ वो वाला जर्नी कैसा था मतलब यहाँ पे किस तरह के थॉट थे और ट्रांजिशन में जब फिर से स्टार्ट कर रहे थे तब क्या था दिमाग में इस ट्रांजेक्शन में ना मतलब मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो तो ग्रुप था हमारा डिजिटल दुकान का ग्रुप है उसने मेरी बहुत हेल्प करी क्योंकि इसमें जितने लोग थे जो लोग स्क्रीन शॉटपुट कर रहे थे मैंने उनसे बात करी यार तुम लोग ऐसा क्या डिफेंड कर रहे हो जो मैं नहीं कर पा रहा कि क्या गलत कर रहा हूँ इस चीज में कि मैं ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि हुँ। मैं इंडिया में रिजल्ट निकाल पा रहा हूँ तो यूएस में एड्स तो सेम ही है तो मैं मैं गलत कहा कर रहा हूँ डिजाइन में गलत कर रहा हूँ शायद वेबसाइट में गलत कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं बंदे के पास ना कि शायद वेबसाइट अच्छी बनाओगे तो और अच्छा आ जाएगा या तुम मौका चेंज करोगे तो बेटर हो जाएगा या स्ट्राइप लाओगे तो बेटर हो जाएगा ये सब थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में तो इसी टाइम पे ना मतलब मैंने जितने ग्रुप में लोग थे जो अच्छे रिजल्ट निकाल रहे थे उनसे बात करता गया उनकी आप 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 डिफरेंट क्या क्या कर 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 रहे हो, आप क्या कर रहे रहे हो हो कैसी चीजें नहीं फिर मैं आपके जितने लाइव सेशन होते थे वो अटेंड करता था तो इस पॉइंट में मैंने लोगों से देखा कि लोग क्योंकि मैंने गिव अप नहीं करा और मुझे लोगों ने बात भी करी उन्होंने बोला कि पॉसिबल है जैसे अमन जो आपका फ्रेंड है अमन कुमार उसने हेल्प करी उससे मैंने मतलब कांटेक्ट किया उसने मुझे बोला कि की यार पॉसिबल है मतलब मैं अब नहीं कर रहा बट और आराम से पॉसिबल है मुझे पहले डाउट होता है पॉसिबल है भी यार कि बहुत यार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी निकल भी सकती है मतलब मैं डाउट करने लग गया था प्रोग्राम पे और लोगों के स्क्रीन शॉट पे कि ये थ्री के आ रहा है उसमें क्या प्रॉफिट निकाल रहे होंगे कि मतलब अगर तुम नौ नौ हजार स्पेंड करके अगर तुम पच्चीस हजार कमा रहे हो तो लॉस में कमा रहे हो तुम तो मतलब मुझे ये डाउट चाह रहे थे कहीं ना कहीं चलता था कि रहा है क्योंकि मैं नहीं निकाल पा रहा उसने कहा नहीं यार पॉसिबल है सिंपल है जितना है टेस्टिंग ही है, जितना, ब्रांड बिल्ड कर टेस्टिंग कर जो ऑर्डर यही चीज करनी है अपने डिजाइन पे काम करो डिजाइन में मेहनत करो तो मैंने में back to वापस आपको तो मैंने बताया ना देखा डिजाइन देखे आपके दु� बिल्कुल फॉलो करे जितने लगता था ना क्रोजल एड्स मॉकअप चेंज वो सब वापस बैक टूसिक्ड करने लग गया था क्या करूँ

बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये चीज़ पता है बहुत अच्छी है यार कि लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो लूप को रेंजमेंट करते हैं वो सोचते हैं कि चलो चल जैसा कराउजल एड्स बोला कि मॉकअप्स यहाँ के उठा लेंगे कराउजल्स ट्राई कर लेते हैं विडियो एड्स ट्राई कर लेते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑलरेडी बना हुआ सिस्टम है हम लोग आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इजिली उससे सक्सेस पा सको तो उसको करो उसको फॉलो करो उसके बाद जब प्रॉफिटेबल हो जाओगे या समझ आ रही है चीजें तब कर लो लेकिन वैसे नहीं करो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं बट अच्छा आपने शेयर किया इससे एक और चीज में आती है आपकी स्ट्रेटजी क्या है अभी इस इस पॉइंट पे आज आप पचास हजार हो बीस परसेंट पे हो बढ़िया है टी और माँ, ही कर रहे हो तो अभी आपकी रिसर्च स्ट्रेटजी क्या है फेसबुक क्या है और स्केलिंग स्ट्रैटेजी क्या है क्या फॉलो करते हो मैंने स्केलिंग स्ट्रैटेजी मेनली क्या करता हूँ

सिंपल डिजाइन होता है ना कभी कर क्या होता है वो हमें लगता है अच्छा है पर वो कभी नहीं चलता, और चलता भी है सिंपल हाँ। डिजाइन था, ठीक है? मैं करा था जो starting, starting थी. तो उसमें लोग कह रहे थे कि बड़े लोगों के मैंने कि आप हमारे खुद ही बना दो मतलब अपने फ्रेंड को टा करके कि आप ये बना दोगे क्योंकि आजकल यूएस में सबको पता चल गया है कि अगर बिल्कुल बेसिक फॉल्ट है ना तो सोचते हैं ठीक है लिया

तो मैं डिजाइन रिसर्च में यही चाहता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट भी ना हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन भी ना हो सिंपल हो प्रति हो ये मैं पहनूंगा नहीं पहनूंगा मेन थॉट मेरा ये होता है कि मैं पहनूंगा नहीं पहनूंगा या मैं फैमिली से पूछता हूँ तो दोस्तों से पूछता हूँ कि ये डिजाइन है यार कैसा लग रहा है तुम पहनोगे अपने लिए वो चीज चीज वे नहीं देता कि तुम पहनोगे फिर उसके बाद मैं आगे चल करता हूँ कि मुझे और डिजाइन होते हैं तो बहुत चल रहे होते हैं कि बहुत पावर देख रहा पांच सौ हजार शेयर्स हैं मुझे वो पर्सनली अच्छे नहीं लगते तो मैं बनवाता भी नहीं और ट्राई भी नहीं करता कि मुझे नहीं लग रहा है तो बहुत ज्यादा घिचबिच लग रहा है तो मैं नहीं जाता उस डिज़ाइन पे इसलिए ब्यूटिफुल बहुत अच्छी चीज है ठीक है अब ये हो गया अब फेसबुक के लेवल पे आ, क्या करते हो फेसबुक के लेवल पे ऑनेस्टली बताऊ ना तो मेरा मैंने डिफरेंट वो कर लिए है उसी के उसके तो मैं एबीओ ही चलाता हूँ

सीबीओ में फिफ्टी डॉर्स मैक्सिमम मतलब मैं किसी भी एक डिजाइन को ना okay. बहुत ज्यादा स्केल नहीं कर रहा इस टाइम पे कि हंड्रेड डॉलर है टू हंड्रेडर्स एक ही डिजाइन पे स्पेंड हो रहे हैं उनपे स्पेंड अराउंड अराउंडी डॉलर्स हो रहे हैं मैक्सिमम जो होते हैं सात आठ डिजाइन कर रहे हैं सब पे फिफ्टी सिक्स हो रहे हैं तो किसी दिन एक टॉप होता है किसी दिन ज्यादा पे भी होता है तो वो कहीं ना कहीं रुक जाता है मतलब मेरे को आर से लगता है कि की फिफ्टी की स्टेल आई है मतलब मेरा बहुत मतलब बहुत सही है

तो मैं उसको रखता ही इतना कि पचास से साठ डॉलर पे रख रही है चलती जा रही है चलती जा रही है कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा स्केल करूंगा मुझे लगता है कि मेरे साथ एक दिक्कत क्या होती थी, थी तो मैंने डिजाइन करा जब मैं अराउंड फो थाउजें डॉलर के आसपास चला रहा था ना एड्स तो लोगों ने मैंने देखा तो बहुत लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया डिजाइन मतलब मैंने कहा यार अभी तो मैं स्केल भी स्क्रीन में ये फेसबुक पे देख रहा हूँ सब लोग चला रहे हैं गूगल पे देख रहा हूँ बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया था

बर्ग ज्यादा अटक रहे हैं, रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं मैंने खुद ही ढूंढा कि क्या बग था क्यों अटक रहा था फिर मैंने उनको समझाया सिंप्लीफाई कि इस चीज में अटक रहा है यहाँ पे ठीक करो इस चीज को तो उन्होंने ठीक करा मतलब एक दो वीक में इसमें चले गए बट फिर उन्होंने ठीक करा बट फिर, करा। बट फिर वो थीम सही चल रही है उस थीम में बेसिक एलिमेंट तो ठीक है जो आपकी थीम भी ना आप देते थे आप थीम देते थे वो कहीं ना कहीं रहती है पर आपने जैसे वो थीम अब देनी बंद कर दी वो पुरानी हो गई अपडेट नहीं आया

या बिल्कुल स्टार्टिंग में एकदम से तुम बजट बढ़ा रहे हो एकदम से बहुत ज्यादा कर रहे हो शायद तब होता है ठीक है तुम अगर आराम हो, से होता है, ठीक है? मेरा चल रहा, चल रहा, तो फेसबुक का रीजन नहीं है बैन करने का स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मतलब विदाउट रीजन भी बैन हुए कि ठीक है आज से आ रहा हूँ बैन हो गए बट लकीली क्या दो दिन में वापस मिल गए मैंने शायद आपको फेसबुक आई डी बंद हो गई थी

<laughs> तो मैंने वो बोल yeah, करी। yeah, यार ये बहुत जरूरी है आपने ये चीज बोली भी थी ना ये स्केलिंग वाली मैं सेम अप्रोच अप्लाई करता हूँ प्रोग्राम में भी शेयर करी है कि एक डिजाइन में आप एक डिजाइन से हंड्रेड के करो या दस डिजाइन से टेन के करो ऑलवेज गो फॉर टेन डिजाइनियोजेंट बास्केट और अगर आप एक डिजाइन को बहुत ज्यादा स्केल करोगे वो और ज्यादा फेसबुक की नजरों में आता है hmm. कॉम्पिटिशन की नजरों में आता है और स्पेशली अगर आप बहुत जल्दी स्केल करते हो ना लॉजिस्टिक्स संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं कस्टमर सपोर्ट है आपका पेपैल का बैंड बच सकता है एड अकाउंट का बैंड सकता है, तो बहुत slowly, steadily करो लोगों को ही समझना जरूरी है 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 कि कि देखो Stripe भी 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 एक बिजनेस है, Facebook भी एक बिजनेस है। अगर ये देखेंगे ना 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 एकदम जा रहा रहा इनको लगता कोई कोई कुछ कुछ कर कर हो हो या कोई कुछ गलत कर रहा हो। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहता है वो वो कभी भी एकदम नहीं करेगा वो, you know, slowly, steadily जाना चाहेगा उस चीज के साथ

तो, okay. मैंने कर रहा 40, आ, तो मैंने क्या करा है मेरे अभी जैसे अराउंड थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड यूरोज हुए नहीं एक यूएस में कंपनी और सेटअप कर रहा हूँ मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया ब्यूटीफुल अब तो मेरे पास मार्जिन भी है टाइम भी है तो मैंने यूएस में कंपनी कर रहा से तो उसको एट्टी थाउजेंड ऊपर लगी जाऊंगा ही नहीं बैठ की दिक्कत नहीं होगी बस फिर मुझे नॉर्मल जितना देने होते हैं कंपनी को टैक्से सिंपल से वो देने पड़ेंगे और वो बहुत इजीली मैनेज हो सकते हैं मतलब बहुत ज्यादा नहीं है जैसे इंडिया का सेम वैसा ही है और मैं इंडिया पैसा लाने के लिए क्या करता हूँ अपना मतलब जैसे अच्छा। यू पेपर है तो आ गए फिर एक दो मंथ चलते जा रहे हैं बहुत ज्यादा पैसे की मुझे जरूरत भी नहीं मेरे यूके उसमें पड़े हैं मुझे लगता है की थ्री लाख फोर लाख आने हैं चाहिए तो हर दो मंथ बाद अपना इंडियन पेपर लगा देता हूँ थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड डॉलर कर लेता हूँ फिर हटा देता हूँ वापिस स चलो यार बहुत अच्छी चीज है ये अब एक लास्ट क्वेश्चन पे एक लास्ट चीज पे बात करते हैं ब्रांड बिल्डिंग की आपने बात करी और मैं इस चीज से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म काम करना है इफ़ यू वांट पीपल टू ट्रस्ट यू ब्रांड बिल्डिंग बहुत जरूरी है ब्रांड बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत करोड़ों पैसे लगा के कुछ नया प्रोडक्ट बना दो सिंपल है ऑथेंटिक रहो ओरिजिनल रहो अपना काम अच्छे से करो कस्टमर सर्विस कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दो mm. कुछ यूनिक क्रिएट करने का ट्राई करो अपने डिजाइन अच्छे से बनाओ रिसर्च uh, अच्छे से करो और ऑथेंटिक रहो और अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन में रहो दैट्स हाउ यू बिल्ड अ ब्रांड आपका क्या अप्रोच है uh, uh,

अबाउट स्टोरी तुम्हारी होनी चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होनी चाहिए ये सब चीजें तो और पे पे भी तुम दिखा रहे हो, वहाँ पे दिखनी चाहिए कि हम कहाँ के हैं कहाँ से बिल्ड कर रहे हैं क्यों हमने शुरू किया वो चीज फिर नॉर्मल टाइम में मतलब मैं जरूरी नहीं कुछ सेल करने के लिए नॉर्मली भी ईमेल भेज देता हूँ कि हमें हमने इतने सेल कर लिया थैंक यू फॉर द सपोर्ट ऐसे करके मतलब एक मेल भेज देता हूँ हमने इतने ऑर्डर कर लिए कि आप लोगों को हमारी सर्विसेज अच्छी लगी तो जस्ट एक रिव्यू डाल दो फेसबुक पे मतलब बहुत लोग तो खुद कहते हैं कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी कि आप कहीं रिव्यू डालना होता तो बता दो मतलब खुद उनके मेल आते हैं कि रिव्यू वाली चीजें चीजें फिर टाइम मैंने ये सब शुरू करी मैंने स्टार्टिंग में ना ब्रांड में लोगो मेरे को लगता था मेरी वेबसाइट का नाम अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने जब शुरू किया था ना मैंने कहा चलो ठीक है शुरू करते हैं क्या है की कोई बात नहीं एक चीज करते हैं वेबसाइट चेंज करते रहेंगे कौन सा यही ब्रांड रखना है हमने मतलब पहले मेरी थिंकिंग ये थी कमाओ छोड़ो करो

बहुत बढ़िया बहुत सही जा रहे हो यार यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब बहुत सही अप्रोच अप्लाई कर रहे हो मुझे पता भी नहीं चला मैं भी चेक कर रहा था कि हमें ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया है एंड क्वाइट ऑनेस्टली मेरे को पता भी नहीं चला कि टाइम कैसे चला गया बिकॉज यू नो दिंगस दर यू शेयरिंग जो चीज़ें आपने शेयर करी हैं दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्ट दिस इज एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं जो मैं लोगों को बोल रहा होता हूँ जो मैं खुद कर रहा होता हूँ और ये वही यही तरीका है यू uh, नो you know, कोई भी बिजनेस बिल्ड करने का स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करने का यही तरीका है और आपने बहुत सिम्प्लिसिटी से बहुत फन वे में आपने ये चीज़ें बताई हैं कर रहे हो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट यू नो लोगों को काफ़ी सीखने को मिलेगा इस सेशन uh, से इनफैक्ट ई कॉमर्स वाले उसमें मोस्ट वैल्यूएल इंटरव्यून जहाँ पे किसी ने इतने अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है आप में वो सारे क्वालिटीज़ हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान में होनी चाहिए जेनविन क्यूरोसिटी है पैसे का इतना फोकस नहीं है हाँ पैसा जरूरी है लेकिन दैट नॉट द ओनली रीजन इसके अलावा टेस्टिंग करते रहते हो एक्सप्लोर करते रहते हो लोगों से एक है, लोगों से बात करते रहते हो ब्रांडिंग के बारे में सोच रहे हो कस्टमर्स के बारे में सोच रहे हो यू आर जेनुअनली शेयरिंग एवरी ये भी बहुत बड़ी बात है काफी लोग क्या करते हैं कमारे होते हैं अंडरग्राउंड चले जाते हैं उनको होता है मैं इकट्ठा कर लू बट जो आपके उससे पता चल रहा है कि और आपने अपने साथ साथ और लोगों की भी मदद की hmm. चाहे वो कोई क्लाइंट hmm. हो चाहे वो दोस्त हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो और इस सेशन के थ्रू भी यूर एक्चुअली हेल्पिंग सो मेनी पीपल सो मो पावर टू यू यू यूं वेरी गुड मुझे कोई डाउट नहीं है यार कि यू जस्ट राइट नाउ अगले कुछ साल में यू नो यू ये अभी ऑन अ होल न्यू लेवल और काफी नई नई लर्निंग्स आएंगी आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बीच में इफ देस एनीथिंग दैट यू 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 नो नो आई कैन डू टू सर्व वी एज अ ब्रांड मी पर्सनली

किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो मतलब वो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकता है मतलब मैं हेल्प कर लूंगा सब चीजों की सब मुझे ऑनेस्टली मजा भी आता है जैसे ना आपने मेरा स्क्रीन तो में मुझे काफी लोगों के लोग आते हैं तो मैं सबके रिप्लाई भी करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टार्टिंग में मुझे किसी लोगों ने रिप्लाई नहीं करता तो मुझे वो चीज़ काफी दिक्कत करी थी तो मैं सोचता हूँ कि उनकी हेल्प करूं जनरली उनका कॉल पे भी गया हूँ मतलब मैंने एक या तो क्या करा उनकी वेबसाइट होल के उन्हें डिजाइन में बताया कुछ भी नहीं मतलब वो कोई क्लाइंट पे नहीं कि ठीक है हेल्प होगी या तुम स्टार्ट करो मुझे पता है मैं भी इस प्रोसेस में था कि कहा मैंने गलत किया है तुम क्या गलत कर रहे हो मुझे पता है तुम सेम जर्नी पे हो तो मुझे मैंने उनकी हेल्प करी कॉल पे भी यार ऐसे ऐसे करते हो सिंपल है तुम तो इतना डिफिकल्ट मत करो प्रोसेस ध्यान दो जो चीजें मुझे स्टार्टिंग में लगी ना मैंने गलती करी लोग क्योंकि सब लोग सबकी सेम जर्नी होती है ऑलमोस्ट सब सेम गलतियां कर रहे होते हैं सब अपना अपने आप को सोचते हैं कि डिफरेंट करें डिफरेंट करेंगे बट कहीं ना कहीं प्रोसेस पे ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपने सिखाया तो मैं जनवरी हेल्प कर सकता हूँ हर किसी की किसी को भी कोई भी जरूरत है तो वन मैसेज दबा दूंगा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कहीं पे भी बहुत बढ़िया मैं इस सेशन के साथ लिंक्स भी डाल दूंगा प्रोफाइल के कोई प्रॉब्लम नहीं है सो दैट्स ऑसम और बाकी गाइस एवरीवन हु इज लिसनिंग मैं यू नो आई विल आल्सो ऐड लिंक्स टू द प्रोग्राम द ईकॉम फ्रीडम चैलेंज ऑल ऑफ दैट बिलो आप अर्चित आप डिजिटल दुकानदार प्रोग्राम मेंबर तो हुई एंड यू वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट तो बढ़िया है ग्रेट कीप अप द ग्रेट वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम यार थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम चलो चीयर्स ऑल द बेस्ट God bless you.